Daddy, Mimi, Daddy, चामी ठीक से सोया? कहाँ चला? क्रिकेट प्रैक्टिस, कल टेस्ट मैच है ना, एमसीसी वर्सेस बोर्ड हाई स्कूल। अच्छा, तू किस तरफ से खेलेगा? कितनी बार कहा तुमसे, मैं एमसीसी यानी मालगुड़ी क्रिकेट क्लब का वाइस कैप्टन हूँ और ओपनिंग बॉलर भी। टीम वाले मुझे टेट कहकर बुलाते हैं। टेट? हाँ, बहुत बड़ा अंग्रेज बॉलर है वो। तो आज स्कूल नहीं जाओगे? जाऊंगा प्रैक्टिस के बाद। नाश्ता करके जाना, आज देर हो गई। चामी, सारा दिन दौड़ता फिरता रहता है रे तू, इतनी ताकत कहाँ से आती है रे तुझ में? रोज बादाम का हलवा खिलाती हो ना तुम, वहीं से आती है ताकत। ए ए, बैठो, नाश्ता करके जाओ। वो मनी क्रिकेट। बैठो। स्वामी, धीरे से चबाओ, आवाज मत करो। अखबार में क्या लिखा है सुनो। An 8-year-old boy from MP Hills survived an attack by a man-eating tiger. The boy climbed up the nearest tree and coolly threw sticks at it from the safety of the tree. The tiger, however, did not give up and guarded his prey till the early hours of the morning. Some villagers passing that way fell upon the animal and killed it. The courageous 8-year-old boy is now back with his family and is being given a certificate for bravery by the district collector. Dekha, kitni tarif ki hai iski himmat ki? Wo ladka bahut lamba, chauda, taakat wala hoga. 8 saal ka to ho hi nahi sakta. Ma, itna chota ladka sher se kaise lad sakta hai? Haan, ye akhbar wale bewakoof hai. तुम बड़े समझदार हो। अरे असली बात है हिम्मत, आदमी में शेर जैसी हिम्मत होनी चाहिए, वो है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है पिताजी? मान लो मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला हूँ, अगर कोई बड़ा शेर मुझ पे ठा करके हमला कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ताकत चाहिए ना। ताकत? पहले ये तो साबित करके बताओ कि तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है या नहीं। है। क्या है? हिम्मत। इसका सबूत क्या है? है हिम्मत। अगर तुम में हिम्मत है तो रात भर मेरे ऑफिस के कमरे में अकेले सो सकोगे। हाँ, ऑफिस में? हाँ। अकेले? हाँ। आज रात? हाँ, तो तय रहा, आज रात तुम वहीं सोओगे। स्वामी, तुम अभी तक यहाँ हो, स्कूल नहीं जाओगे? जाऊंगा। माँ, तुम्हें पता है हम अपने क्रिकेट क्लब में अपने से भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को मेंबर करने वाले हैं। हम उनके साथ भी खेलेंगे। पिताजी, हम सब चीजें नहीं खरीदने वाले हैं, बैट बॉल स्टंप सब। कैप्टन ने कहा है अपने पिताजी से थोड़े पैसे। हाँ ठीक है, वो सब बाद में देखा जाएगा। ये जगह तुमने ठीक से देख ली? आज रात से तुम्हें यहीं सोना है, अकेले। सोऊंगा पिताजी, जरूर सोऊंगा, कसम से, अगले महीने की पहली तारीख से। नहीं, आज रात से, समझे? नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया, अब क्या होगा? क्या स्वामी? क्या हो गया स्वामी को? यही है वो जगह कलकत्ता, जहां से अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा। तारीख थी 31 दिसंबर सन 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी शुरुआत यही हुई थी। प्लासी का युद्ध
रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1700 स्वामीनाथन। हाँ सर। भारत में अंग्रेजों ने पहला कदम कहाँ रखा? मालगुड़ी सर। शांत रहो, शांत रहो, बेंच पे खड़े रहो, बेंच पे खड़े रहो। गौर से यहां देखो, यही है वो जगह, कलकत्ता, समझे? ब्रिटिश, 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 महात्मा गांधी की, ब्रिटिश, 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 अब टोना जाएंगे और टोपिया जलाएंगे। चल खेलेंगे। ए बॉल डाल। सिक्स। मनी मालूम है बहुत चक्के लगाता है, हम क्या है भागने के लिए बैठे हैं? अरे चल भाग, बॉल लेकर आ। जल्दी आ स्वामी, भाग कर, वहाँ भूत है, भूत, भूत है। रहने दो, मैं उसके साथ भी क्रिकेट खेलूंगा। स्वामी ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैंने सचमुच एक भूत देखा है। पता है मुनस्वामी के पिताजी को क्या हुआ था? क्या हुआ? अरे कल रात वो बड़े पेड़ के नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे, उतने में एक भूत आया और जोर से थप्पड़ मारा और उनके मुंह से खून निकलने लगा। खून, खून, हे भगवान, कब? कल रात 2:30 बजे। अरे अगर वो भूत मुझसे मिलता ना तो मैं उसे ऐसे मारता। मनी देर हो रही है, घर चलना। चल चल। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे पिताजी ने कहा है आज से ऑफिस में सोया कर, वो भी अकेले। अकेला अब तो क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आता। उनके आने से पहले सो जा। स्वामी जब वो अखबार पढ़ रहे होंगे ना तब धीरे से निकल जाना। स्वामी ये वही पेड़ है जिसके नीचे मुनस्वामी के पिताजी को भूत ने मारा था। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ गए थे? मुनस्वामी। मुनस्वामी? क्रिकेट। क्रिकेट? ऑफिस। ऑफिस। चलो चलो, मगर मेरी बात तो सुनिए। तुम उसकी तरफदारी मत करो, वो आज से अकेले ही सोएगा। 9 साल का हो गया, माँ या तुमसे लगकर सोता है। 5वीं कक्षा में पढ़ता है, समझी? दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आप ये सब मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? मेरा मतलब है, देखिए मैं उसे नहीं बिगाड़ रही, आपकी माँ उसे बिगाड़ रही है। जो कुछ कहना है उसकी दादी से जाकर कहिए, मुझसे नहीं। चामी, हो चामी, बड़ी जल्दी सो गया रे आज, कहानी नहीं सुनेगा क्या? मुंह ढककर मत सोया कर राजा, फिर सांस कैसे लेगा? सच्ची सो गया क्या? दिया बुझा दो। मैं, तुम समझती क्यों नहीं, मैं इस समय सो रहा हूँ। घर को आग लग जाए तो भी मुझे बुलाना मत, कुछ भी हो उठाना मत मुझे। अगर मैं फौरन सो नहीं गया तो शायद मर जाऊंगा। अच्छा तो सो जा। चलिए खाना तैयार है। स्वामी का है वो तो खा के सो गया होगा। सो गया होगा,
वो कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे स्वामी ओ स्वामी स्वामी चल उठ। सोने दो ना उसे, क्यों उठा रहे हो? इतनी गहरी नींद में है वो। अगर मैं कोई बात कहता हूं तो उसका एक खास मतलब होता है। बहुत लाड़ प्यार हो गया इसके, बिगाड़ दोगे इसे। चल सीनू, पर वो सोएगा कहाँ? ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ, आज 8-8 साल के लड़के जंगल में शेर के साथ लड़ रहे हैं, और एक ये है हमारे कुलदीपक जो अपनी दादी से चिपक कर सोते हैं। चलो दादी माँ। सीनू सीनू से दादी माँ। माँ क्यों उसे ऑफिस में सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप? अगर वो इस बड़े कमरे में सो जाए तो उसकी बहादुरी में कोई कमी तो नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ वो ऑफिस में ही सोएगा, मतलब ऑफिस में ही सोएगा, समझ गई तुम? माँ, पिताजी आप मुझे बाहर के कमरे में सोने दीजिए ना, यहाँ ऑफिस में बहुत धूल और मिट्टी है, आपकी किताबों के पीछे सांप और बिच्छू है ना? नहीं बेटे नहीं है, यहाँ कोई सांप या बिच्छू नहीं है। तुम चाहो तो मैं खिड़की खोल देता हूँ। ये लो, इधर से ठंडी हवा आएगी, आराम से सो जाओ। और ये रहा आज के लिए बिस्तर, तुम चाहो तो इसी बेंच पर सो सकते हो। गुड नाइट। पिताजी पिताजी एक छोटा सा जिया जला कर रखिए ना। डरो मत स्वामी, हम कोई तुमसे दूर तो नहीं, बस यही गड़ियारे के उधर है। पिताजी पिताजी ये दरवाजा खुला रखिए ना। एक शर्त पर, रात को तुम अपनी दादी के पास जाकर नहीं सोगे। अगर मैंने तुम्हें अपनी दादी के साथ सोते देखा तो मैं मणि और तुम्हारे सभी दोस्तों को बता दूंगा। जानते हो फिर क्या होगा? सारा स्कूल तुम्हारा मजाक उड़ाएगा कि स्वामी डरपोक है, समझे? अब जाके सो जाओ। पिताजी बहुत खराब है, ये भी कोई जगह है सोने की? उस अखबार में शेर और लड़की के बारे में लिखा ही क्यों? लड़का राक्षस था राक्षस, वो शेर से लट लिया तो मैं यहाँ अकेले सोऊं। अच्छा अच्छा हो मैं सुबह से पहले मर जाऊं तो, मर जाऊंगा मैं तब समझ में आएगा पिताजी को। आश्चर्य की बात है श्रीनिवासन जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता
कि इतने छोटे से बच्चे ने इतनी हिम्मत और साहस के साथ एक नामी चोर को पकड़ा। चलो बेटे। सर वो क्या है कि वो मैंने से कह दिया सोने को ऑफिस रूम में और खिड़की खोल दी। जो भी है, इसने जो बहादुरी दिखलाई है उसका जवाब नहीं। हमें तुम जैसे बहादुर लड़कों की जरूरत है। क्यों बेटे, पुलिस ऑफिसर बनोगे? कब से पुलिस ऑफिसर बनोगे? कल से। स्वामी, पिताजी के आने तक तुमने चोर को कैसे पकड़े रखा? रात के 3 बजे थे, 3, और उसी समय एक चोर आया। मैंने उसको पकड़कर एक लात मारी और दोनों हाथ पकड़कर ये गुस्सा मारा। फिर चोर कमरे के उस तरफ जा गिरा। मैंने उसके नाक पर गुस्सा मारा, हाथ मरोड़ा और यूं पकड़ के रखा। अच्छा, सीने तो कुछ चोर को काटने के बारे में क्या रहा था? काटने के बारे में कभी नहीं, मैं डरपोक तोड़ा हूँ। तू तो बहादुर है, सुना है पुलिस की नौकरी में भर्ती होने वाला है। पता नहीं, मैं तो इंजन ड्राइवर या बस कंडक्टर बनना चाहता था, अब सोचना पड़ेगा। तू एक काम कर, धोखे वाली नौकरी मत करना, पढ़ लिख कर सरकार की नौकरी कर, बाबू बन जा बाबू। दादी माँ, तुम्हें पता है आज मेरे फोटो निकालने वाले हैं, तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं? ना बाबा ना, मैं तो यूं हूँ, मेरी फोटो तो नहीं खिंचा सकते। तू जा, अच्छे कपड़े पहन के जा। अरे चामी, फोटो वाले मशीन के ज्यादा नजदीक मत जाना, सुना है उसमें से आग निकलती है। सीधा बैठ, मुंह पर हाँ, पेट अंदर छाती बाहर, सांस रोक। बेटे जरा मुस्कुराओ। ई हाँ। अरे कौन है, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं हूँ महाराज। महाराज तुम वहां क्यों खड़े हो? मेरी फोटो भी आनी चाहिए। क्यों? मैंने भी चोर को पकड़ा था। अच्छा, इधर आओ, अभी तुम ये पकड़ो। हाँ? मेरी फोटो भी आएगी ना? हाँ आएगी ना, उसकी फोटो के पीछे आएगी। स्माइल। स्वामी, ओ स्वामी, स्वामी कहाँ है? उसकी फोटो आई है मालगुड़ी टाइम्स में। ये दिखाइए, देखिए मेरी चामी की फोटो आई है। अरे वाह चामी, ओ चामी कितना प्यारा लगता है, देखिए ना माँ जी। मेरी फोटो नहीं आई क्या? नहीं आई, कहाँ है वो? सो रहा है। सो गया इतनी जल्दी? हाँ, इस वक्त तक उसके उम्र के बच्चों को सो ही जाना चाहिए। बेचारा, तेरी वजह से परसों रात एक पल भी सो नहीं पाया। तो क्या किया जाए, हमेशा उसे तुम्हारे पास सोने दे अंगूठा चूसते हुए। दादी माँ कहानी सुनाओ। कल से उसे दो चोटियां और रिबन बांध कर गर्ल्स हाई स्कूल भर्ती कर दे रहा। हाँ। आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? जहाँ चाहे वहाँ सोने दो ना उसे। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसे इधर उधर सुलाकर परेशान करने की। देखो सीनो, याद रखो मेरा एक ही पोता है, अगर उसे कुछ हो गया। ठीक है, मुझे क्या करना है? माँ और दादी दोनों मिलकर उसे बिगाड़ दो। कल वो बड़ा होकर निठल्ला डरपोक आलसी बन जाए तो मुझे मत कहना। चामी, आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाऊंगी, हरिश्चंद्र की कहानी। हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। दादी माँ,